नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में, चैनल जिसका नाम है ब्रिजमोहन सूरी। यूट्यूब पर यदि आप टाइप करेंगे ब्रिजमोहन सूरी तो ये चैनल खुल जाता है। इस चैनल में आप बहुत कुछ देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर हाजिर हूँ, तो आइए शुरू करते हैं आज का नया विषय। इस बार कन्या पूजन में ये वस्तु अवश्य दें, क्योंकि जिस प्रकार का योग है, जिस प्रकार का नक्षत्र है जो मैं बताने वाला हूँ, ये वस्तु इस नवरात्रों में जब आप कन्या पूजन करेंगे तो आप ये वस्तु अवश्य दें, क्योंकि इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा और विशेष शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी। पीले रंग की नवरात्रों में कन्याओं को अवश्य दें। पीले रंग की मिठाई या पीले रंग का वस्त्र कुछ भी दे सकते हैं, पीले रंग की मिठाई जरूर दें। और एक बात आपको बताता हूँ कि जो कंजकें, जो कन्याएं आपके निवास पर आती हैं, जिनका आप पूजन करते हैं, उनको कुछ खिला पिला कर ही भेजें। ऐसे ही खाली मुंह नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि इससे माँ प्रसन्न नहीं होती है। वो माँ का रूप होती हैं और पता नहीं किस रूप में आपके समक्ष माँ खुद साक्षात बैठी होती है। इसलिए उनका पूजन करें, पैर धोएं, तिलक करें, उनको मौली बांधें, उनको कुछ खिलाएं, कुछ पिलाएं, और फिर उपहार और माँ का स्वरूप यानी कंजक देकर उनको विदा करें। लेकिन स्मरण रहे कि इस बार पीले रंग की कोई वस्तु अवश्य देनी है, इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा, विशेष शक्तियाँ प्राप्त होंगी, विशेष रूप से योग है। तो जब हम पीले रंग की वस्तु देंगे तो बृहस्पति भी प्रसन्न हो जाएंगे। मेन कारण है कि हमने गुरु को प्रसन्न करना है माँ के आशीष के साथ। जब माँ के आशीष के साथ गुरु प्रसन्न होंगे तो हमारी ध्वज हर तरफ फहराएगी, यानी हमारी इज्जत चारों तरफ रहेगी। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिक्स में ज़रा सा भी कदम रखते हैं, उनको चाहिए इन नवरात्रों में पीली वस्तु का दान अवश्य करते रहें। उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा और वह बहुत आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं ब्रिजमोहन सूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 या 6 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि आप जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इसके लिए हम फीस लेते हैं जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप जन्मपत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है तो फिर इमीडिएटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देख कर ही बताते हैं। परंतु जन्मपत्री देखने में 4 या 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है, यदि उसमें योग है तो समय लगेगा, ये आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि समय लगेगा। आप जानते हैं कि हमारी जन्मपत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारी जन्मपत्री में बहुत सारे योग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को कर्जा रहता है, रोगी रहते हैं, क्यों रहते हैं? इन सब का समाधान हमारी जन्मपत्री में होता है। जब हम जन्मपत्री देखकर उपाय ढूंढते हैं और आप लोग उन उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।